श्री गणेश। सिंह राशि जून 2024, नेक्स्ट मंथ आपके लिए क्या फल लेकर आए हैं जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन में। स्पेशली गुरु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन से आपके ऊपर क्या असर होने वाला है, इसके साथ साथ सब ग्रह की ट्रांजिट क्या फल देने वाली है। प्रेडिक्शन को आखिर तक देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे राशि के अधिपति ग्रह सूर्य ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। सूर्य जो कि आपकी राशि से दसवें स्थान के अंदर है, 10th हाउस में 15 जून तक सूर्य 10th हाउस में गुरु के साथ है। यहाँ पर प्रबल राजयोग बन रहा है जिसके इम्पैक्ट में आप सबको बिजनेस कारोबार के अंदर ये जबरदस्त इम्प्रूवमेंट करवाने वाले हैं। तो ट्रांजिट जो है सूर्य का राशि के अधिपति होकर दसवें स्थान में है, तो आपको ये कहीं ना कहीं यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल से भी आपको कुछ बेनिफिट देने वाले हैं। आपके फादर से भी कुछ आपको लाभ मिल सकता है। तो ट्रांजिट सूर्य का 15 जून के बाद लाभ स्थान में होने वाला है। ये ट्रांजिट भी आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ बोल सकते हैं। तो 11वें स्थान में चलने वाले सूर्य भी आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देने वाले होंगे। और जो कोई भी जातक सरकार में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति नए पद की प्राप्ति पदोन्नति इत्यादि हो सकता है। तो जून महीना कैरियर के रिगार्डिंग एक्सट्रीमली शुभ परिणाम देने वाला है। इसके साथ साथ समाज में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति में वृद्धि होने वाली है। सूर्य के साथ साथ चलने वाले ग्रह बुध और शुक्र की ट्रांजिट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बुध के बारे में बात करते हैं। तो बुध का ट्रांजिट बहुत फास्ट है। 31st में से बुध वृषभ राशि में चलने वाला है और दसवें स्थान में बुध भी महाधनवान योग करवाने वाले हैं। तो बिजनेस कारोबार के अंदर तो 4 चांद लगने वाले हैं। और 14th जून के बाद 29th जून तक बुध चलेंगे, यानी कि 14 से 29 जून तक चलेंगे बुध मिथुन राशि के अंदर लाभ स्थान में चलेंगे। और ये ट्रांजिट सूर्य के साथ होगी बन सके, जिसके इम्पैक्ट में आपका कामकाज कारोबार बढ़ने वाला है। लव मैटर के कारक शुक्र ग्रह का ट्रांजिट भी दसवें स्थान के अंदर है और 12 जून को शुक्र भी लाभ स्थान में चलेंगे। तो ये ट्रांजिट आपका जो होगा ये दसवें स्थान में और 11वें स्थान में शुक्र, ये भी आपके बिजनेस कारोबार के अंदर जबरदस्त इम्प्रूवमेंट लेकर आया है इस मंथ के अंदर। केयर क्या करना है, राहु अष्टम स्थान में चल रहे हैं आपके, जिसके इम्पैक्ट में जो कोई भी जातक सेल्फ ड्राइव करते हैं, गाड़ी या टू व्हीलर जो भी चलाते हैं, तो आप सबको माइंड को कंसंट्रेट करके काम करना है। नॉट ओनली इन व्हीकल ड्राइविंग बट एवरीथिंग इन एवरी मैटर। कहीं आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो कहीं गिर ना जाए, स्लिप ना हो जाए, फिसल ना जाए, इसका केयर करना होगा राहु के अष्टम स्थान के चलते हुए। और केतु आपके धन स्थान में चल रहे हैं जो हस्ता नक्षत्र में चल रहे हैं। पर्टिकुलरली दिस हस्ता नक्षत्र इज विपद फॉर हु आर बॉर्न इन पूर्व फाल्गुनी। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म का सूर्य है या चंद्र है, ये जातक थोड़ा सा स्ट्रेस और तनाव महसूस करेंगे पारिवारिक मामलों को लेकर और फाइनेंशियल मैटर को लेकर। 29th ऑफ जून को बुध 12वें स्थान में चलने वाले हैं। तो जब कर्क में बुध चलेंगे तो मंथ एंड के अंदर 29 तारीख के बाद आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है, तो जल्दबाजी में आप सबको नहीं लेना चाहिए। गुरु का नक्षत्र जो अभी कृतिका चल रहा है, ये मेष राशि में जिनका भी जन्म हुआ है मघा नक्षत्र में, ये जातकों के लिए गुरु अभी जो है ये आपके विपद नक्षत्र में है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग कर रहे हैं करियर को लेकर अभी मघा वाले, लेकिन पूर्व फाल्गुनी के लिए अभी का ट्रांजिट अच्छा है।
लेकिन 12 जून के बाद जब चलेंगे गुरु रोहिणी नक्षत्र में, तो यही ट्रांजिट पूर्व फाल्गुनी के लिए विपत नक्षत्र हो जाएगा। तो इसके चलते हुए हु आर बॉर्न इन सूर्य पूर्व फाल्गुनी या चंद्र पूर्व फाल्गुनी, ये जातकों के अपर लेवल से संघर्ष ना हो और फादर के साथ ना हो, उसका केयर करना होगा, क्योंकि थोड़ा सा काम का भार भी आपका बढ़ सकता है। मंगल जो कि 1 जून से भाग्य स्थान में चलने वाले हैं, तो यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से आपको लाभ करवाने वाले होंगे। जो कोई भी जातक मार्केटिंग से कनेक्टेड है, जिनका घूमने के साथ काम है, ऐसे जातकों का काम काज जबरदस्त बढ़ने वाला है। शनि सप्तम स्थान के अंदर है, जिसके चलते हुए दाम्पत्य जीवन में, रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ भी तनाव ना बढ़े, उसका क्या करना होगा। सैटर्न इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, विच इज वद नक्षत्र फॉर मघा, तो मघा नक्षत्र में जिनका जन्म का सूर्य या चंद्र है, ये जातक थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव महसूस करेंगे रिलेशन में अपने पार्टनर के साथ। और पूर्व फाल्गुनी के लिए यही ट्रांजिट शनि का पूर्व भाद्रपद जो है वो साधक नक्षत्र है, तो पार्टनर से लाभ करने वाला है, जबकि मघा वाले को पार्टनर से नुकसान करने वाला है। उत्तरा फाल्गुनी के लिए भी, सिंह उत्तरा फाल्गुनी के लिए भी जो मघा जो शनि का ट्रांजिट है पूर्व भाद्रपद का, ये प्रत्यरी है, यानी कि पार्टनर के साथ आपका भारी ऑपोजिशन होगा। तो कुल मिला के क्या कहेंगे, क्या सारांश रहेगा, क्या सार भाव बोल सकते हैं जून के लिए, कि जून में खास करके जो मेन एनर्जी सूर्य है, 10वें एवं 11वें स्थान में है, इसके चलते हुए साथ साथ चलने वाले ग्रह भी, बुध और शुक्र भी 10वें एवं 11वें स्थान के अंदर है, तो ये ट्रांजिट पर्टिकुलरली जो है बिजनेस कारोबार को अपग्रेड करने के लिए, बढ़ाने के लिए एक्सट्रीमली शुभ समय बोल सकते हैं। तो कामकाज के ऊपर कंसंट्रेशन करना है, कामकाज कारोबार आपका बढ़ने वाला है। यदि आप जॉबलेस हैं, कुछ काम धंधा नहीं है, तो भी आपको कुछ नया काम मिल सकता है, नई जॉब मिल सकती है। नमस्कार।